हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं घटनाचक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। तो इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है खिलजी वंश। तो इसके पहले वीडियो बनाया गया, तो आप लोग वीडियो जाकर उसको देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके नोट्स से। नोट्स में है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खरी किलो गढ़ी के महल में कराया करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर को की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनीन बताया। वह उमेरा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग घटनाचक्र करा चुके हैं, तो उसमें बहुत सारे इसको नोट्स को पढ़ाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो देखो अभी हम लोग पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया था जफर खां का। तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने स्वयं का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो ऑप्शन डी है, राणा रतन सिंह। तो पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मल्लुक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा पद्मावती, जिसमें कि शाहिद कपूर थे और दीपिका पादुकोण। तो शाहिद कपूर जो है उन्हीं का नाम था रतन सिंह। ओके, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी वही था, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह है वो उनका करेक्टर निभाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था। तो ये जाना जाता था मलिक कपूर को। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो जो पद्मावत पिक्चर है उसमें अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक कपूर भी था। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर के हिसाब से देखेंगे तो इतिहास को बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मलिक कपूर है, तो मलिक कपूर को हजारा दिनार के नाम से जाना जाता है। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। समझ लीजिए कि 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीद लिया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, क्योंकि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है आर गलत है, कब्जा करना नहीं चाहता था। इधर डॉक्टर K.S. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने का भी प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, उसको धन लूटना था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो यह थे रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलीचपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने अब उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कपूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है, तो रणथंभौर।
रणथंभौर हो जाएगा आपका हमीर देव, और चित्तौड़ हो जाएगा राणा रतन सिंह, देवगिरी हो जाएगा राजा राय रामचंद्र, और गुजरात हो जाएगा कर्णदेव। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1, यही है ऑप्शन डी हो जाएगा 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट रुकी आता हूं मैं। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कब कब उन्होंने जीता था इसके अलाउद्दीन खिलजी का ये विजय, तो गुजरात को जीता था 1299 में, तो ये हो जाएगा 1299 में, तो ये हो जाएगा पहला। और उसके बाद रणथंभौर को जीता था 1301 में, तो ये हो जाएगा दूसरा। और उसके बाद चित्तौड़ है, जो कि चित्तौड़ 1303 में था, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। और वारंगल, तो इसको तो लास्ट में था, तो ये हो जाएगा 1310 में था, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। तो इस प्रकार 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, मानचित्र निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मालिक कपूर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन में 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन बी और सी अलाउद्दीन खिलजी है। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया क्योंकि उसने भी ऐसा किया था। तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उपज 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर, घरी कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दुआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन खिलजी का पैमाइश पर। ठीक है, तो ये लगान पर था और ये पैमाइश पर। ओके तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुल्तान जिसे बढ़ाकर भू राजस्व का उपज 50% कर दिया था हुआ था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक भी किया था क्या? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया। अभी ऊपर पढ़ लिया हम लोगों ने कैसे पैमाइश पर और लगान पर। आगे है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली और उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दुआब में अनुमान के आधार पर जब उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था, किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित यह है। पहला है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, जो कि दूसरा में लिखा है कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो ये गलत है, पैमाइश पर किया गया था, तो इसमें दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन और कारण वाला है। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था क्योंकि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो देखिए ऐसा नहीं है, वह कम वेतन नहीं देना चाहता था, वह ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए यहाँ पर सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और
अस्थाई सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनके दरें कम कर दी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास ने, तो ऑप्शन सी है, बहुत सफलता प्राप्त की। देखिए यूपीपीसीएस मेंस का 2010 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल की सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सेम वही क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। गरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो यह था रावी, रावी नदी। और क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, ओके। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। और दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो देखिए इसमें केवल 2 सही है, पहला और दूसरा गलत है। तो देखिए इसमें देखिए, भारतीय इतिहास संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, आरोह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, तो ऑप्शन डी है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पीसीएस क्वेश्चन है 2018 का, निम्नलिखित निगमों से कौन सा सही नहीं है। देखिए यूपी पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ रियासत है और शासक है, तो देवगिरी का है शंकर देव और वारंगल का रामचंद्र देव नहीं थे, तो वारंगल में आपके आएंगे शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे इसमें, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और होयसल का है वीर बल्लाल और मदुरा का है वीर पांड्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसने खलीफा का शक्ति का विरोध किया था, तो ये इसमें से एक से अधिक है, देख लेते हैं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो सी है, मुबारक खिलजी। तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पश्चात मलिक कपूर ने मुबारक खिलजी के कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। ध्यातव्य है कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फरुखद्दीन एवं मलिक जाजू ने किया था, ठीक है। तो देखिए तो इस प्रकार वो समाप्त हो गया है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था
उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी, पिता एक करौना जनजाति का तुर्क था जो बलबंत का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, एक मिनट। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ऑप्शन ए है गाजी मलिक। तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। क्वेश्चन नंबर दो है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए है तुगलक। क्वेश्चन नंबर तीन है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर चार है, किस वंश के सुल्तानों को सबसे कुछ सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये थे तुगलक वंश। देख सकते हैं गुलाम वंश के सुल्तान 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320 और लोदी 1451 से 1526 और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच है, दिल्ली सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एमबीटी। क्वेश्चन नंबर सात है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं सफल चक्र की योजना बनाई? तो यह किया था एमबीटी होगा, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद तुगलक से। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 है, भारत में सर्वप्रथम साकेंद्रित मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यह पढ़ लिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये पढ़ना था, इसको पढ़ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब उसने राजत्व कैसे प्राप्त किया? तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन। क्वेश्चन नंबर 15 है,
मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के। कब आया था? देख लीजिए 1333 से 1347। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकाल जो 1325 से 51 में था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो अभी पढ़ा हम लोग मोरक्को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो सेम क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक। 19 नंबर है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो यह है इब्न बतूता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यह दफन मतलब दफन है? तो यह है पाटलिपुत्र, राजगीर और मुंगेर, नालंदा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हुई, जिन्हें बाद में नालंदा बिहार में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति और मिली वह उन्हें राजा से? अलाउद्दीन तुगलक, मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये प्री में भी पूछा है, 1999 में इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? सेम क्वेश्चन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के, तो वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ने खैरात स्थापित किया, वह था? तो वह था फिरोज तुगलक। फिर तो ऑप्शन 27 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। देख सकते हैं यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था, उसके दासों की संख्या संभवतः 180,000 तक पहुंच गई थी। उनकी गठन देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन 2 है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने का पद्धति शुरू किया, नहीं। और तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये गलत है। तीसरा है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, तो यही सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा, न कि चाचा। और तीसरा तो चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? सेम क्वेश्चन है, एपएसटी। 32 नंबर क्वेश्चन है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो यह है फिरोज तुगलक। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ऑप्शन बी है, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35 है, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ऑप्शन बी है, फिरोज शाह तुगलक। 36 नंबर है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो एफएसटी, सेम क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने उस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसने संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विचारों का समझ से हो सके, तो फिरोज तुगलक है। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक था, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिर उद दीन महसूस महमूद था। क्वेश्चन नंबर 41, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत का आक्रमण किया, तो देखिए उस समय के तो समस्त विकल्प गलत थे, ठीक है, तो इसके लिए भी ये एफएसटी के लिए ही कहा गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो ऑप्शन बी है सैयद। और क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न को उनके कलानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए, तो नाम देखिए इनका, रकनुद्दीन मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो रकनुद्दीन था 1236 में आपका, ये आपका था 1236 में, और मुबारक खान, तो मुबारक खान थे आपके 1316 से लेके 1320 तक, और फिरोज शाह तुगलक तो ये 51 से 88 था ना, 51 से 88 था। और बचा लास्ट आलम शाह, तो यह तो 1445 था ना, 1445 से 1451, बहुत कम था इसका समय, तो उसको सही क्रम में बैठाना है, तो 1236 हो गया और फिर 1316 हो जाएगा, तो रकुद्दीन हो जाएगा, और सभी लाइन सही है, 1 2 3 4 तो हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रकनुद्दीन है 1236, मुबारक खान है 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक है 1351 से 1388, आलम शाह है 1445 से 1451। रकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा, तथा तो सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 51 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार ये खत्म हुआ, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा लोधी वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए, इसको जितना भी वीडियो बनाया गया आप लोग इसको रिपीट करिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।